तो क्लास कल हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स के पास छोड़ा था, इसी के ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। यहां से आज स्टार्ट होता है ट्रू फॉल्स का नंबर वन। स्टार्ट किया जाए क्लास, इजाजत है आप लोगों की? तो यस सर। बेटा फर्स्ट है, जीएसटी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्लीमेंटेड इन फ्रांस इन द ईयर 1954। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि जीएसटी सबसे पहले इंडिया में आया? तो यहां आपको पता चल रहा है जीएसटी सबसे पहले कहां पर इंप्लीमेंट किया गया था? फ्रांस में। फ्रांस में। जो कि जीएसटी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इतनी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। 1954 में जीएसटी फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया, यहीं से ही पूरे वर्ल्ड में स्टार्टिंग हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, इस पे आ रहे हैं, प्रेजेंटली जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मैनी कंट्रीज? 160। 160। तो ये सर्किल बनाता जा रहा हूं जो आपके माइंड में रहेंगे और लॉन्ग रन तक का काम करेंगे। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि जीएसटी जो आप पढ़ रहे हैं वो इंडिया में फर्स्ट टाइम नहीं लॉन्च हुआ, इंडिया में फर्स्ट टाइम, अगर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम नहीं है, और भी कंट्रीज हैं जो इस यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। तो पूरे वर्ल्ड में 160 कंट्रीज हैं जहाँ इम्प्लीमेंट है, और उसके पहले जो इम्प्लीमेंटेशन था वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। बेटा आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और ये समझ लीजिए कि कॉमर्स हिस्ट्री में अब जब भी कहीं कोई ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आएगा, सिलेबस उसका हो सकता है पीसीएस का हो, आईएएस का हो, या फिर जूनियर लेवल के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, यूपीएससी का हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, यहाँ तक कि जर्नल स्टडीज के पोर्शन में भी ये जीएसटी का इनिशियल लेवल आपके काम आएगा। अलग अलग जगह कोचिंगों में इन सब पॉइंट्स को बताया जाता है। आपने ये पढ़ लिया तो आपने ये जान लिया कि ओवरऑल वर्ल्ड में अभी 160 कंट्रीज हैं जहां पर हम जीएसटी को यूज कर रहे हैं। फ्रांस नंबर वन पे था। क्लियर? यस। ओके। देन पॉइंट नंबर थर्ड, दो जीएसटी द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज मेड कॉम्प्लिकेटेड। इतना सब होने के बाद में जीएसटी हम लोगों के लिए एक बहुत प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो आसान हो गया, एक जमाने में पहले धीरे धीरे टफ था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जुलाई 2017 है, इसको 1 जुलाई समझिएगा, 1 जुलाई, ये डेट सबको याद होगी। तो यस सर। 1 जुलाई, जुलाई तो करेक्ट है ही है, मगर डेट आपकी 1 जुलाई होनी चाहिए। देन पॉइंट नंबर फिफ्थ, इन द प्रेजेंट सिचुएशन द जीएसटी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन नेशनल गैस। इसका क्या मतलब है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी बात हो रही है। पॉइंट नंबर सिक्स्थ, जीएसटी इज डिवाइडेड इन 5 स्लैब्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो ये 5 स्लैब्स दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स, कौन कौन से गुड्स तो है ही है, स्लैब कौन कौन सा है, इसमें क्या परसेंटेज रखेंगे, कौन कौन सी परसेंटेज रखेंगे? एनी आइडिया क्लास? सर,
5%, 12%, 18%, 24%, 28%. आपने एक बोला, दूसरा बेटा 12%, 12%, फिर 18%, फिर 28%, 28%. एक exempted वर्सेस जीरो का डिफरेंस बताया था मैंने, यस सर, ताकि एग्जाम्प्टेड और जीरो के बीच में आप डिफरेंस को समझ सकें। यहाँ पर समझाने के लिए जीरो का इसका पार्ट रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर नेचर और इम्पोर्टेंस दोनों की बात हो रही है। जीरो की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आज अभी जीरो है पुअर पीपल के लिए, जो रेगुलर यूज होने वाले कंटेंट है उनके लिए। मगर अभी आप आगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा और देखेंगे, तो इंडिया में कई मैंने ऐसे एग्जाम्स देखे हैं जहां पर अब इनको सिर्फ इन्हीं फोर कैटेगरी में स्लैब में रखा जाता है, 5, 12, 18 एंड 28। और जब कभी भी इम्पोर्टेंस और नेचर दोनों एक साथ ले करके हो, क्योंकि जीरो की वजह से इम्पोर्टेंस बेटा बढ़ जाती है, तो आप 5 करिएगा, नहीं तो 4 पॉइंट में ही वर्क करिएगा। ओके, यस सर, ओके सर, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1, इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड इन द लॉन्ग टेन्योर ऑफ, ये तुमने पढ़ा नहीं था, मगर इसके लिए देख लीजिए कि पहले से भी स्टार्टिंग हो रहा है, पहले से चलता आ रहा था, तो ये 17 इयर्स की बात है। ये आपने पढ़ा नहीं था इसलिए बता भी दे रहे, पढ़ भी लेंगे इसको आप साथ साथ। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास रहेगा, तो इसका आंसर हो गया SGST, आप जानते ही है कि स्टेट से रिलेटेड है। अगर बेटा यहाँ पर CGST होता, मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो CGST को कौन इम्प्लीमेंट करता? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने इसीलिए जानबूझ करके पूछा, CGST को इम्प्लीमेंट भी स्टेट करता। सर क्यों? इम्प्लीमेंट करने का मतलब है लागू होना, जो चार्ज करेगा इकट्ठा करेगा वो। सर ये तो सेंट्रल है। हाँ बेटा, याद करिए कि स्टेट ही टैक्स को कलेक्ट करता है। मानिए कि यूपी को जब टैक्स का कलेक्शन है, तो यहाँ पर दो पार्ट में है, एक SGST और एक CGST, दोनों हाफ हाफ बढ़ जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? यस सर। एज ए एजेंट जो है, एज ए एजेंट वर्क हो रहा है, मगर जाएगा ये किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप इकट्ठा करेंगे मगर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसके सारी जो प्रोविजंस हैं वो सब यूज करी जाती हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट तो इतना बड़ा थोड़ी कि हर तरफ से कवर अप करता है, स्टेट का सपोर्ट चाहिए होता है उसको। भले ही सेंट्रल है, भले ही ऑनलाइन है सब, इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्री का मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स आर इन कौन से स्लैब में रखे गए हैं? जनरली जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, जीरो परसेंट के ऊपर। फोर्थ है, मेनली लग्जरी गुड्स आर कैप्ट इन, 28%। कई बार आपने पूछा, आपको ये याद भी हो गया 28%। 20% में दो गुड्स थे, एक लग्जरी गुड्स था और दूसरा भी एक कोई और गुड्स था, मैं नाम भूल रहा हूँ। yes. क्या नाम? हजार्डियस, जो लाइफ के लिए हो वो वाले। एग्जाम्पल टोबैको, सबको याद हो गया टोबैको, सिगरेट। वेरी गुड, वेरी गुड। सिगरेट एग्जाम्पल के लिए वेरी गुड बोला है, सिगरेट के लिए नहीं बोला है। वेरी गुड, यस सर। Then, yes, sir. So, GST, one tax, one nation, and one market slogan has been promoted. So, ये तो नेतागिरी की बात है कि जब इसके लिए बात करी जाती है तो one tax, one nation and one market, कि पूरी इंडिया के लिए एक जैसा ही
यूज किया गया। इतना पोर्शन था जो कल थोड़ा सा छोड़ दिया था आपको बताने के लिए। अच्छा, जब इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं, कल जो गलत हुए थे मैं एक बार उनको वापस ले जा रहा हूँ, देखते चलिएगा और उसी जगह टोक दीजिएगा, सर ये वाला पॉइंट समझना है। यस सर। ठीक है, वन। यस देख लीजिए वन, जब बताइएगा ओके तो टू पर आ जाएंगे। यस सर। वन टू थ्री आपको दिख रहे हैं, वन टू थ्री में देख लीजिए किसी कुछ पूछना हो तो। जिन लोगों का गलत था उन्होंने उसमें से टैली करा होगा, कितने लोगों का वन टू थ्री गलत था। सर वन वाला एक बार समझा दीजिए। वन, नाम बताओ अपना। अंकिता। कल ये गलत हो गया था। यस सर। बहुत आसान है बेटा, तुम्हारा कोर्स का नाम क्या है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? जीएसटी एंड कस्टम लॉ। जीएसटी एंड कस्टम लॉ। करेक्ट। Yes. तो जो ये कस्टम लॉ, इसीलिए तुमको अलग से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है। Yes, sir. देखो कितने बढ़िया अंदाज से तुम लोगों ने इंटरेस्ट लिया क्लास में और चीजें आसान हो गई। नेक्स्ट, टू और थ्री में इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, एक एक पे बात करते हैं। फोर, जिसका गलत होगा वो तुरंत टैली कर लेगा। सर ये गलत था बता दीजिए। सर फोर क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा? सर फोर क्वेश्चंस। फोर किसका गलत था, नाम बताएं। सर वन में आ दो सर, मैं नहीं थी क्लास में सर, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें से जीएसटी का बेटा एक फीचर कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर आपने रेगुलर क्लास करी होगी तो आपको पता है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। यस। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, हिंदी में से बोलते हैं। लेविड ऑफ एवरी वैल्यूएशन एडिशन, ये कंटेंट चल ही रहा है, पढ़ा ही रहा था अभी क्लास में। यहाँ खाली डी होगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो, ये गलत है। यस यस। देन फाइव, सिक्स, मान ले सबका सही है। यस सर। सेवन एट, देखो पहले सेवन देखो। क्वेश्चन सर बता दीजिए सर। सेवन क्वेश्चन, सेवन का डी वाला आंसर है। काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसको रिकमेंडेशन देता है जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी कहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ओके सर। ये कल सब प्रैक्टिस करवाए हैं। वाला बता दीजिए। कौन सा? एट। क्या गलत हुआ था इसमें? सर एट वाला समझ में नहीं आ रहा। इम्पोर्ट्स पे सर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? सर सीजीएसटी एसजीएसटी सर
इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। मतलब यूपी है तो यूपी के अंदर ही हो ना? यस सर। और अगर का डीलिंग कहीं बाहर से अगर हो गई, गुड्स आ गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। अब बाहर का मतलब बाहर है, चाहे ये बाहर तुम्हारा एमपी का हो, चाहे ये बाहर तुम्हारा फ्रांस का हो। बाहरी तो है। यस ओके। बड़े आगे मतलब इसका आंसर ये। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसका गलत था? 9, 10। सर 9 मेरा गलत था। अभी ठीक है? यस सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। ये पहला पार्ट हो गया था, हम लोगों ने इसमें किए थे 3। सेकंड स्टार्ट हो रहा है। ये देखो रांची में आया हुआ क्वेश्चन है भी। 1 पूछना है किसी को? 1 नो सर। बता दीजिए क्या पूछना है तो बताओ पहले। सर क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए। 1 में क्या पूछना है ये तो बताओ पहले। कल गलत हो गया था ये? नहीं थे सर क्लास में मैं, सर आज मैंने की। तो बेटा 1 में क्या चीज पूछनी है तो बताओ पहले, हम समझे तो क्या बताना है। सर मैं कल नहीं थी क्लास में सर, इसीलिए मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या। कल तो नहीं हो मगर आज तो अभी हो, अभी तो बताओ ना, तभी तो हम बताएंगे क्या बताएं इसमें हम तुमको। कोई क्वेश्चन लगाया? कोई प्रैक्टिकल क्लास करी है पहले? नो सर। क्लास कर लिए रेट की कोई क्लास करी इससे पहले? नहीं सर मैंने नहीं की। जीएसटी का रेट कैसे लगता है, क्या रेट है, जल्दी रेट बोलो। 6, 12, 18, 20 बेटा जीएसटी के रेट वेट जब पता होंगे तभी तो ये सब चीजें समझ में आएंगी कि कैसे डिवाइड हो रहा है। जब अंदर स्टेट लगता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होकर के लगता है, और बाहर का लगता है तो वही रेट पूरा एक साथ लग जाता है, स्टेट के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे 12% है तो 12% आईजीएसटी में हो गया, और जब अंदर लगेगा तो 6-6 करके लगेगा। सर आ गया सर। तो अगर हमको सीजीएसटी आईजीएसटी पता हो तो हम आईजीएसटी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सेकंड। कल किसी एक स्टूडेंट ने 100% कॉन्फिडेंस से बोला था कि सर नहीं यही है, यही आंसर है, याद है? किसी एक ने बोला था, स्पेशली किसी बॉय ने बोला था। हमने कहा ठीक है, तो यही जो सेक्शन है ये इसलिए हमको याद रहता है 269। इसकी वजह क्या है? जिसकी वजह से इंटर स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, तो ये मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि बेटा गवर्नमेंट सीधा चले तो भी वही सही, उल्टा चले तो कौन सही, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट सीधा चले तो कौन सही? गवर्नमेंट। उल्टा चले तो कौन सही? गवर्नमेंट। तो बेटा ये 6 और 9 की बात है, सीधा लिखा तो 6, उल्टा लिखा उसी चीज को तो 9।
छः का उल्टा नौ होगा, नौ का उल्टा छः होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस वजह से ये बहुत समय पहले का क्वेश्चन था, मुझे याद था, तो मैंने कल ट्रिक नहीं बताई आपको, क्योंकि जब पहले ही आंसर आ गया था। अरे सर ये एकदम 100% राइट, हमने ठीक बेटा, अभी रुको आगे दिख रहा है, जब गलती करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आइडिया और ट्रिक भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 269 ए, आज बताऊंगा 246 ए की भी कहां पे जरूरत पड़ती है। फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 अंडर 269 ए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ध्यान रखो कि अब आगे आने वाले जितने एग्जाम होंगे उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जहां पे भी ऑब्जेक्टिव होगा। सर कहां कहां? बेटा जर्नल स्टडीज जहां लगेगी वहां होगा, जीके का जहां एग्जाम लगेगा ये वहां के लिए इम्पोर्टेंट है, पीसीएस के लिए आप जाते हैं तो वहां के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए जाते हैं तो वहां के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए जाते हैं तो वहां के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप आगे एमकॉम एंट्रेंस के लिए कहीं जाते हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जीएसटी का तो वहां के लिए भी आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए 269 ए की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे आते हैं 3, आईजीएसटी इज लिवाइड एंड कलेक्टेड। जो भी आईजीएसटी बेटा कलेक्ट होता है, चार्ज होता है, वो किनके बीच में बढ़ जाता है? आंसर नंबर डी सही, इसमें दोनों के बीच में बढ़ जाता है। यस सर। ठीक, फोर्थ पढ़ लीजिए, बताइए फोर्थ। अरे जहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता हो उस जगह को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ही तो बोलेंगे। क्लियर? यस। अब स्क्रीन पे आपको कई क्वेश्चन दिख रहे हैं, चलिए एक से एक बात करते हैं। 5 देख लो पहले, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, पूरे 11 तक सारे देख लो, जिसमें डाउट लग रहा हो वो पूछ लो, बता देते हैं। या जिसका गलत हो गया हो उसमें देख लीजिए, मिला लीजिए कि सर डाउट है। या जो नए स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी डाउट हो रहा है तो वो भी पूछ लें। सर 10th पॉइंट बता दीजिए, 10th क्वेश्चन। 1010। यस सर। इसके लिए टैक्स इम्पोज्ड इन जीएसटी सिस्टम, कल किसी बच्चे ने इसमें बात करी थी, जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, मल्टी रेट लग रहे थे, तो मैंने बताया था कि मल्टी रेट से परेशान नहीं हो, मगर बेटा इसका आंसर जो है वो मल्टीपल पॉइंट है, मल्टीपल रेट नहीं, मल्टीपल पॉइंट। देखो जब मैं मल्टीपल रेट की बात करते हैं हम लोग, जब हम मल्टीपल रेट की बात करते हैं तो मल्टीपल रेट का मतलब हो गया 0, 5, 8, 12, 6, 18, 28, ये सब तो मल्टीपल रेट है, मगर जब मल्टीपल पॉइंट का मतलब है तो इसका मतलब है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे कंज्यूमर है। तो जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे गया, किसके पास गया? होलसेलर के पास गया। फिर होलसेलर के बाद में ये गुड्स आपके रिटेलर के पास गया, फिर इसने पैकिंग करके बीच में रिटेलर, पहले मान लो कोई और भी आता है, या फिर डायरेक्ट इसने कस्टमर को दे दिया। तो ऐसी हालत में इसमें जो टैक्स लगेगा वो कहाँ कहाँ पर टैक्स लगेगा, उसने पॉइंट की बात करनी है। तो जो टैक्स हमारा है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड जो होता है वो लास्ट पॉइंट के ऊपर करता है कि यहाँ जा करके ही खत्म हो जाएगा, इस जगह पर इसका एंड हो जाएगा,
मगर चार्ज जो है वो कहाँ पर होगा, वो चार्ज किस किस जगह पर होगा? जब यहाँ पर डील हो रहा होगा तो पहली बार यहाँ पे चार्ज होगा क्योंकि इसने सेल और परचेज हुआ है, दूसरी बार ये यहाँ पे भी चार्ज होगा, तीसरी बार ये मल्टी स्टेज, हाँ मल्टी स्टेज, फिर ये तीसरी बार इस स्टेज के ऊपर चार्ज होगा। तो पॉइंट देख लो इसके कितने हैं, कोई एक पॉइंट तो है नहीं कि सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट अगर पहले वाला पॉइंट होता, सिंगल पॉइंट अगर हम बात करते कि अगर ये इसका आंसर सिंगल पॉइंट होता, तो सिंगल पॉइंट का मतलब है कि इनमें से किसी भी एक स्टेज पे, मान लो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया तो इसी जगह पे टैक्स लगा दिया, दिस इज सिंगल पॉइंट। अब एक ही पॉइंट हो गया, अब कहीं और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। या फिर यहाँ पर आप सिंगल पॉइंट नहीं कर रहे तो आप इस जगह पे सिंगल पॉइंट कर दे रहे हो कि जिस समय लास्ट में रिटेलर और कंज्यूमर के गुड्स जा रहे हैं रिटेलर से कंज्यूमर के पास, तो हमने यहाँ पे खाली टैक्स लगा दिया, तो बेटा वो सिंगल पॉइंट है। इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर टैक्स लगता है तो सिंगल पॉइंट है, मगर जीएसटी में तो ऐसा नहीं है। उसके पास तो जितने भी स्टेजेस हैं वो सब पॉइंट हैं और हर पॉइंट के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है खाली मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगा दिया और आगे हम कहीं पे भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट भी गलत हो गया, सिंगल पॉइंट भी गलत हो गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास कंज्यूमर है, तो बेटा कंज्यूमर जो है वो पे तो करता है मगर टैक्स खाली यहाँ नहीं लगता, वो पूरा का पूरा टैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है और वो ऐसे 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 मूव करते हुए यहाँ तक जाता है, अलग अलग स्टेज पे ऐड होते हुए। याद आ गई बात? और इसी पे ही, और इसी पे ही पिछले वाले टैक्स को जो हम वापस करते हैं उसको बोलते हैं आईटीसी, ताकि क्या खत्म हो जाए, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए, ये इफेक्ट हमारा खत्म हो जाए। अब ठीक है? यस सर। ओके यस सर। और देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग जो हैं क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत तारीफें काबिल बात है। बच्चे एक एक पॉइंट को देख करके डिस्कस किया आप लोगों ने, तो मैं मान लूं अब 5 से लेकर 11 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यस सर। ओके, मैंने कल वाला जो टेस्ट आप लोगों के क्वेश्चन लगे थे उसको आपकी यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, उस पे डाल दिया था। अब आगे आ रहे हैं, दो पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिए। मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 पार्ट में कर रहे हैं, तो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया जिसके हेलो, ये बीच में कौन बोल रहा है? दूसरे में हम लोगों ने फर्स्ट में 10 क्वेश्चन किए, दूसरे में 11 क्वेश्चन किए। अब आते हैं बेटा थर्ड पे, और थर्ड वाले पोर्शन से पहले ट्रू एंड फॉल्स है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्लास स्टार्ट होते ही हम लोग कर चुके हैं। yes, इस पे नहीं रुकेंगे, सीधे थर्ड के ऊपर जा रहे हैं। थर्ड की जो जो प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाएगा। सी वाला पोर्शन फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, ट्रू फॉल्स का था, ये डी वाला है मल्टीपल चॉइस। इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन फिर से गिवन है स्लॉट में, 1 से लेकर 4 आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो 1 से लेकर 4 पे पहले बात कर लें, चेक कर लीजिए। थर्ड में क्या है कि
हम लोग के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कोई धर्म देश को चलाने के लिए नहीं है, देश को चलाने के लिए सिर्फ एक ही धर्म है जिसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सर लिख तो आप संविधान रहे हैं, बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। अच्छा, अब इसके बाद में इसके अंदर जो है अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिस्ट दी हुई है, ठीक। इसके लिए जो हमारा एक शेड्यूल है, अनुसूची जिसको हिंदी में बोलते हैं, यस सर, ये सेवेंथ है, ठीक। यस सर, ये जो सेवेंथ हमारा शेड्यूल है इसके अंदर में तीन लिस्टें दी गई हैं, ठीक। अब इसमें से जो लिस्टें शेड्यूल में गिवन है ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है और थर्ड लिस्ट है। इसमें क्या सर दिया है, इसमें बेटा सब्जेक्ट मैटर दिए हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब सर क्या है, विषय वस्तु दी है। विषय वस्तु का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपस में लड़ाई नहीं हो। किस किस में लड़ाई आपस में नहीं हो, आपस में लड़ाई दो लोगों के बीच में नहीं हो, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। तो इसमें उनके सब्जेक्ट मैटर दिए हैं कि जो सेंटर है सेंट्रल वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पे डील करेगा और स्टेट किन किन सब्जेक्ट मैटर में डील करेगा कि इनमें आपस में लड़ाई नहीं हो। उनसे रिगार्डिंग रूल बनाना है तो आप डील कर सकते हैं, लड़ाई नहीं होगी। सीधे सीधे पता है कि सेंटर के लिए क्या है और स्टेट के लिए क्या है। तो इसी तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उनमें से जो फर्स्ट लिस्ट आपके पास दे रखी है उसकी हम बात करते हैं। ये फर्स्ट लिस्ट लिस्ट है और हमारे पास थर्ड लिस्ट है, करेक्ट। तो अब इसी लिस्ट के ऊपर ही बात करी गई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिस्ट वन। तो जो पहली लिस्ट है ना, 1 2 3, तो सबसे पहले किसकी लिस्ट आएगी, सेंटर की आएगी, सेंट्रल वन। तो इसका सेंट्रल का आंसर होगा 3 का B। Yes, sir. अब आप कहेंगे सर आपको इतने पढ़ा शेड्यूल 7 आपको याद कैसे है। शेड्यूल 7 मुझे याद नहीं है बेटा, शेड्यूल 7 का मुझे ट्रिक याद है कि मैंने इसको हिंदी में समझा था कि इस शेड्यूल को हिंदी में बोलते हैं 7, और 7 से मैंने समझा था 7-7। तो इस शेड्यूल में 7-7 कौन, 7-7 सेंटर और स्टेट 7-7, करेक्ट। यस अरे सेंटर और स्टेट जो 7-7 हैं उनका यहाँ पे बंटवारा। यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, आगे बात करते हैं। एक मिनट जा बेटा, मैडम की कॉल आ रही है, बात कर लूं, एक मिनट। हाँ फिर अरे हमसे आदाब भी कर लीजिए भाई, हमें आदाब भी आता है, वालेकुम सलाम भी काम कर दूंगा। जी, नहीं अच्छा लगता है ना, तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ईद के बाद पहली बार बात हो रही है, आपको ईद की बिलेटेड बहुत बहुत बधाइयां जी, बताएं हुकुम करें। नहीं हिंदी में, तो हिंदी में क्या इंग्लिश में भी सही है, अब जरूरत भी नहीं पड़ती कॉर्पोरेट लॉ की, तो इंतजाम करता हूँ, बताइए क्या करना है। चलिए अब आपका एक मिनट में पॉसिबल बताते हैं, गूगल पे जाइएगा कॉर्पोरेट लॉ का, आप हिंदी के नोट डाल दीजिएगा PDF, उसमें आपको ताबड़तोड़ मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करेगी बस, अगर मिल जाएंगे वही उठा के थमा दीजिएगा, नहीं तो मैं इंतजाम करके आपको दे दूंगा। अरे सिलेबस के हिसाब से सारा सिलेबस तो नहीं होगा ना, कुछ तो कंटेंट अभी होगा तो उसमें से छांटबीन कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अरे इसमें कॉर्पोरेट लॉ के लिए आप कंपनी लॉ की बात करेंगी, और तो कंपनी लॉ है,
जीडीआर बुक बिल्डिंग तो हिंदी में नहीं मिलेगा, वो बताना पड़ेगा, बाकी सब मिल जाएगा। चलिए मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा, जीडीआर का और बुक बिल्डिंग का ना। ठीक है ठीक है, ओके वेलकम। हाँ बच्चों, हो क्लास में गायब हो गए? अच्छा अच्छा, तो ये 1 to 5 जो है वो आपने चेक कर लिया होगा इतनी देर में, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अच्छा अब आगे आते हैं, 1 to 5 के बाद में 6 से आगे बात करते हैं। 6 से लेके 9 तक दिखाई दे रहा है? यस सर। अब 1 मिनट से कम समय बचा है, थोड़ा सा बढ़ा दें, 10 भी देख लो साथ साथ। ये 10 है, 6 तो पढ़ ही लिया होगा, 7, 8, 9, 10 जिसका गलत हो कोई पूछ ले। एक और ट्रिक आपको यहाँ पर थोड़ी सी दे रहे हैं कि सेंट्रल के लिए जो है वो 8 है और स्टेट के लिए जो है वो 9 है। क्लियर? Yes, sir. की गलत है सर? ये आपको याद कैसे रहता है? सुन लो, सेंटर और स्टेट में सी पहले आता है और स्टेट बाद में आता है, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो 8 पहले